पहनते हैं इस तरीके से ना, बॉटल ग्रीन कलर का मेरे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, केम छो, मैं हूँ डॉली और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? तो आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं मीशो ज्वेलरी हॉल। और इस बार ना मैंने मीशो से ज्वेलरी परचेस की है जो कि हम लोग फेस्टिवल्स में वेयर कर सकते हैं। कुछ इस हिसाब से ना मैंने ज्वेलरी ली है, एक चूड़ी का सेट भी लिया है। तो काफ़ी सारी ज्वेलरीज आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ज्वेलरी है अलग अलग, सिर्फ ईयरिंग्स भी है। तो जो भी मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ चाहिए ज्वेलरी, जो मेरे पास ड्रेस है उससे मैचिंग मैंने कुछ कुछ परचेस किया है, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके बाजू में छोटा सा बेल का आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल को ऑप्शन ज़रूर से सिलेक्ट करना। और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है ना तो मीशो का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करिए और वहाँ से मीशो डाउनलोड करिए। और अगर आप मीशो ना फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हो ना तो आपको मीशो डाउनलोड करने के बाद ना उसमें राइट साइड में एक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें जाइएगा और अकाउंट ऑप्शन क्लिक करने के बाद ना उसमें आपको एंटर रेफरल कोड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप मेरा रेफरल ज़रूर से ऐड करिए तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और वैसे भी अगर आप मीशो मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे ना तो आपको आपके फर्स्ट इनिशियल ऑर्डर पे 30% या फिर 100 रुपीज तक का ऑफ मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खासी डील मिलेगी आपको। तो चलिए फटाफट से आज का मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेस किया है। तो ये देखिए, फर्स्ट ना मैंने कुछ इस तरीके की ना पैकिंग में चीज़ें जो हमें रिसीव होती है मीशो से, तो फर्स्ट ना मैंने इस तरीके से ना टॉप्स परचेस किए, थोड़े बड़े बड़े टाइप के, क्योंकि फेस्टिवल है तो हम थोड़ा सा हैवी पहनते हैं। तो इस तरीके से ना बॉटल ग्रीन कलर का मेरे पास एक सूट है, मैंने वो साड़ी से स्टिच करवाया था। तो साड़ी रीयूज आइडियाज़ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो अगर आपने वो देखा नहीं है ना तो ज़रूर से चेक करिए। ये देखिए, ये ना इस तरीके का बॉटल ग्रीन कलर के ये दोनों टॉप्स है बड़े बड़े से, तो इस टाइप का कलर मुझे चाहिए था। और इसमें ना काफ़ी सारे अच्छे और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स थे, तो आप मीशो में जाके चेक कर सकते हो। और कुछ इस तरीके के इसमें झुमके हैं और ना इसमें पट्टी से वर्क किया हुआ है, तो काफ़ी सुंदर सा इसमें वर्क किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, मैं आपके देखे, तो इसका जो प्राइस है वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। और मीशो में ना लिंक नहीं रहती है, वो लोग प्रोडक्ट कोड देते हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी उन सभी के कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आपको करना क्या है, बस आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है उसका कोड आप मीशो में जाके सर्च बार में लिखिए और ईजिली जो है ना आपको चीज़ें मिल जाएगी। अब जाते हैं हम लोग सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। तो सेकंड वाला ना ये देखिए इस तरीके के बॉक्स में आया हुआ है, और ये ना मैंने दो कड़े ऑर्डर किए हैं। तो इस तरीके से ना ये दो कड़े हैं, मतलब ये ना धागे से बने हुए कड़े हैं, और इसमें ना कुछ कुंदन और मोती का वर्क किया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से ये दो कड़े आए हैं, तो इसको ना हम चूड़ियों के साथ बीच में पेयर अप करके पहन सकते हैं, और बहुत ही सुंदर मुझे ना ये रेशम के धागे वाले कड़े लगते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके के है ये। तो मेरा जो साइज़ है वो है 26, तो 26 मैंने साइज़ परचेस किया है। तो मुझे ये वाले कड़े बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे, तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इसका जो प्राइस है वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, और इसका जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आपको ना मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या परचेस किया है मैंने। तो ये देखिए नेक्स्ट ना मैंने ये वाला बिंदी और ईयरिंग्स का सेट परचेस किया है। तो इस तरीके का भी सेट हम लोग फेस्टिवल्स में पहनते हैं, तो मुझे भी ऐसा एक चाहिए था, और मैं आपको खोल के बताती हूँ कैसा है ये। तो वाओ, बहुत ही सुंदर है, ये देख सकते हो आप, गोल्डन कलर में और ना कुंदन, वाइट कुंदन इसमें लगाए हुए हैं, तो गोल्डन और वाइट कुंदन का कॉम्बिनेशन है। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स थे, आप मीशो में जाके चेक कर सकते हो। ये देखिए, तो
इस तरीके से कुछ ये है, और इसका जो प्राइस है मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, और इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं ना जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट वाला जो है ना कुछ इस तरीके की पैकिंग में आया हुआ था। तो ये लोग ना पैकिंग बड़ी अच्छी करके देते हैं, प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सेफली हमारे पास पहुंच जाते हैं, और अगर कुछ डैमेज भी हो जाता है ना तो मीशो में एक्सचेंज पॉलिसी अवेलेबल है। आप प्रोडक्ट जो है अपना एक्सचेंज भी करा सकते हो, रिफंड भी करा सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो। कुछ 8 डेज का एक्सचेंज रिफंड पॉलिसी रहती है, तो इजीली 8 दिन में तो हम पता चल ही जाता है हमको कि हमको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखिए नेक्स्ट जो है ना कुछ इस तरीके की ना मैंने चूड़ियाँ ऑर्डर की है। ये देखिए इसका ना 4 का सेट आया 4 का सेट आया हुआ है। कुछ इस तरीके से ना इसमें लटकन है, और यहाँ पे इस तरीके से ना मोतियाँ लगाई हुई है। तो इसमें भी ना कलर्स ऑप्शंस अवेलेबल थे, आप मीशो में चेक कर सकते हो। मुझे ये वाला बहुत ही सुंदर लगा, रेड कलर सभी में मैच हो जाता है। तो इससे ना हमें बीच में जो प्लेन चूड़िया है उसके साथ हम इसे पेयर अप करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसका लुक आएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। मैं ना आपको इसे वेयर करके बताती हूँ किस तरीके से ना इसका लुक आ रहा है। और अब जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो है ना वो इस तरीके का ना मैंने मल्टी कलर चूड़ियों का सेट ऑर्डर किया है। तो ये देखिए इसमें इस तरीके से ना पूरी पैकिंग से ये चूड़ियाँ आई थी मुझे। तो ये इस तरीके से ना 3 का सेट आया हुआ है, पूरा 3 बैंगल्स का सेट आया हुआ है। और इसमें मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, ये देखिए आप देख सकते हो मल्टी कलर में है ये। तो मुझे ना मल्टी कलर ही चाहिए था क्योंकि काफ़ी सारी साड़ियों के साथ हम अलग अलग कलर्स जो है वो मैच कर सकते हैं। तो ये एक सेट ही बहुत सारी साड़ियाँ और सूट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें ना जैसे आप देख रहे हो मल्टी कलर, ये पूरे 10 का सेट है। तो ऐसा 1, 2 और 3 इस तरीके से ना 10 का सेट है, मतलब कि 30 चूड़ियों का सेट बना के है इस तरीके से। ये 1 सेट है 2 और 3। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना मल्टी कलर में। तो इतना सारा मतलब आप देख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ, मुझे लगता है कि ये 2 भी हमने एक एक हाथ में पहनी तो इतनी जो है चूड़ियाँ हमारी आराम से हो जाती है। और इसमें हम लोग बीच में कड़े भी डालते हैं, और ये तो मुझे लग रहा है एक एक्स्ट्रा सेट ही आ गया है साथ में। तो इस तरीके से ये सेट है, इसका जो प्राइस है स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, और इसका ना आपको ट्रायल बताती हूँ पहन के किस तरीके से इसका लुक आ रहा है। ये देखिए ये चूड़ी का सेट ना कुछ इस तरीके का, ये एक चूड़ी है डायमंड लगे हुए उसमें, और फिर ये देखिए ये 3 चूड़ियाँ है और ना वो जॉइंट है एक साथ, फिर से एक चूड़ी है, फिर ये 3 चूड़ियाँ है प्लास्टिक की है, और तीनों ना एक साथ में मतलब जॉइंट की हुई है। ये देखिए जो कलरफुल है ना वो सारी 3 चूड़ियाँ एक साथ जॉइंट की हुई है, कुछ इस तरीके से ये चूड़ियाँ है। नेक्स्ट ना ये देखिए ये वाले ना मैंने मोती के बड़े बड़े से कान के लिए थे। ये वाले ना मैंने इंस्टाग्राम में बहुत सारे स्टोर पे देखे हुए थे, तो मैं सर्च कर ही रही थी और फिर मुझे मीशो में दिख गए तो मैंने लिए। ये ना हैंडमेड के है, और इसमें ना काफ़ी अलग अलग टाइप के शेप्स है। ये देखिए पीछे जो है कपड़ा लगा हुआ है, और आगे में मोती बड़े छोटे मोती उससे मतलब उसको चिपकाया गया है। जब ये रिसीव हुआ ना तो इसमें तो मतलब फेविकॉल की थोड़ी सी जो स्मेल है वो भी आ रही थी। तो ये हैंडमेड वाले है, इसमें बहुत सारे अलग अलग शेप्स हैं बने हुए, और ये ना काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इतने बड़े तो मैं वैसे पहनती नहीं हूँ नॉर्मली, पर मुझे आपको बताना था इसलिए मैंने ये परचेस किए। ये देखिए इस तरीके से ये बड़े बड़े, और ये अभी ना बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें ना काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे आपको, तो शेप्स भी बहुत अलग अलग मिलेंगे इसमें, आप सर्च कर सकते हो। इसका जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और प्राइस स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको परचेस करनी है ना, सभी के कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से चेक करिए।
और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बाजू में बेल आइकन है उसे ज़रूर से प्रेस करिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।